घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कहावत उस पे काफी सूट कर रहा है। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोगेकॉइन मार्स के बारे में। हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स का, हम देखेंगे इसके डेवलपर्स कौन है, और इसमें आगे चल के इसका प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे कि ये वाकई ये कॉइन बाई करके अपने पोर्टफोलियो में एड करने लायक है या नहीं है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए चलते हैं वीडियो। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। अब जैसे कि हमने देखा, हम अब बात करते हैं डोगेकॉइन मार्स के बारे में। डोगेकॉइन मार्स बेसिकली क्या है? ये जो डॉग ब्रीड के जितने मीम कॉइन्स जब आए हुए थे, डोज कॉइन, शिबा इनू, फ्रॉकी इनू, ये सब आए थे, तो वही टाइम पे डोगेकॉइन मार्स भी वो टाइम पे आया हुआ था। इसका बेसिक पॉइंट ये है कि अगर इसका आप नाम पे देखेंगे तो इसके नाम में मिक्स एंड मैच है। इसे डोज कॉइन से डॉग लिया हुआ है। एलन मस्क जो हमेशा डोज कॉइन को ट्वीट करते रहते और प्राइसेस उनका एस्केलेट होते रहते, बढ़ाते रहते, तो एलन मस्क का एलन लिया हुआ है। और जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि डोज कॉइन या शिबा इनू मून में जाएगा, तो ये उसे एक कदम आगे मार्स में जाएगा। उस हिसाब से इसका नाम रखा हुआ है डोगेकॉइन मार्स करके। इसका नेटिव टोकन जो है एलन करके है। अगर इसका आप यूज केस की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली कोई भी यूज केस नहीं है। ये कॉमिक टाइप में मीम कॉइन लॉन्च किया हुआ था। इसके डेवलपर्स का भी कुछ पता नहीं है कि हाँ भाई इसके डेवलपर्स कौन है, कहां से है, ये इतना यूनिक क्यों है। सबसे पहली बात तो इसको ह्यूमरस कॉमिक स्टोरी के हिसाब से बनाया हुआ था। अगर आप इनका वेबसाइट में देखेंगे तो इनके वेबसाइट में भी कुछ ज्यादा डिटेल्स दिया हुआ नहीं है। इनके वेबसाइट में केवल कम्युनिटी दी हुई है, इनकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं, कॉमिक्स और गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में तो बाई करने का है और कॉमिक्स का दिया गया है। तो कॉमिक्स में इन्होंने 4 पेज का कॉमिक्स दिया हुआ है, डोगेकॉइन मार्स 1, 2, 3, 4, जहां पे ये 2420 साल की कहानी बता रहे हैं। यस, आपने सही सुना, अभी 2022 है और इन्होंने 2420 की कहानी बताई है कि कैसे डोगेकॉइन आया और कैसे इसने मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब ये जो है इंटर प्लेनेटरी, इसने फाइट की और सर्वाइव की। और ये कॉइन कैसे आगे आने वाले समय में, ये फ्यूचर का कॉइन है, आज के समय का कॉइन नहीं है, तो कैसे आने वाले समय में 2420 में ये कॉइन की वैल्यू काफी बढ़ेगी और ये मार्क्स तक जाएगा। इसको लॉन्च करने वाले कोई भी डेवलपर का नाम कुछ भी इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं है, बट इतना है कि एलन जो इनका नेटिव टोकन है जो डोगेकॉइन मार्क्स के इकोसिस्टम में चलेगा, वो ERC20 टोकन है जो कि पॉलीगॉन और इथेरियम के नेटवर्क पे बेस्ड है। अगर इनके वेबसाइट में देखेंगे तो इनके वेबसाइट में बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये काफी कम कॉइन है जिसमें से ये एक कॉइन है जिसमें मुझे व्हाइट पेपर कहीं नहीं मिला। मतलब इनका जो फ्यूचर प्लान है, ग्रो पाथ क्या है, आने वाले समय में वो क्या करेंगे, उन्होंने कुछ भी डिस्क्राइब किया हुआ नहीं है। अगर आप शिबा इनू की बात करेंगे, बेबी डोज कॉइन की बात करेंगे, जो कि डॉग ब्रीड की मीम कॉइन्स है, उन्होंने भी इनिशियल में ऐसे मजाक में मीम कॉइन्स की तरह उनका लॉन्च हुआ था, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना रोड मैप बनाया, उन्होंने अपना ब्लॉकचेन बनाया, उन्होंने अपना वॉलेट इस्तेमाल किया है, लॉन्च किया हुआ है, मेटावर्स में आए, गेमिंग में आए, तो उनका एक रोड मैप मालूम पड़ता है जिससे कि ये पता चले कि हाँ भाई ये आने वाले समय में कॉइन की पोटेंशियल क्या होगी। बट अब इस केस में इनका कोई भी रोड मैप नहीं है, तो इसका कोई भी कॉइन की पोटेंशियल आने वाले समय में क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। अगर इसकी बात करते हैं हम टोकोनॉमिक्स की, तो इसमें जब ये लॉन्च हुआ था तब डेवलपर्स लोगों ने 1 quadrillion, मतलब 1 quadrillion टोटल सप्लाई एलन का इन्होंने लॉन्च किया था। 50% विटालिक बुटेरिन जो कि फाउंडर है इथेरियम, उनको भेज दिया है। ये इस कोशिश में कि मतलब आगे चल के या तो ये टोकन्स बर्न करेंगे ताकि ये सर्कुलेशन से निकले या कुछ भी अपने हिसाब से चैरिटी करे, और जो बचे 50% है उन्होंने लिक्विडिटी पूल पे डेवलपर्स ने डाल दिया है, जहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स की। अब जैसे कि डोगेकॉइन मार्स की हम अगर कॉइन मार्केट कैप पे देखेंगे तो ये 110th रैंक पे है। ये करीब 13 rank 32,000 के लोगों के वॉच लिस्ट में है। मतलब मीम कॉइन्स की कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने लोग रातों रात मतलब क्विक मनी बनाने के चक्कर में रहते हैं कि वो मीम कॉइन्स को ट्रैक करने के लिए काफी लोग पड़े हुए हैं। अगर आप इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ये 4x08416 है। आज ये 15% अप है। इसकी मार्केट कैप की आप बात करेंगे तो 4,600 crore की ये टोटल मार्केट कैप है। मैक्सिमम सप्लाई जैसे मैंने आपसे कहा 1 quadrillion है, और इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई आज के डेट पे 554 billion है। देखते हैं इसके चार्ट्स के बारे में, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 साल का चार्ट हम देखेंगे तो इसने काफी अच्छी हाइप मारी थी और उसके बाद में इमीडिएटली
ये नीचे आ गया था। कुछ महीनों तक ये नीचे ही चलते गया, बाद में जब नवंबर के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी आई थी तब इसको वापस से एक हाइप में गया था, बट वो ज्यादा कंटिन्यू हुआ नहीं और ये धीरे धीरे करके अभी नीचे जा रहा है। अभी फिलहाल देखेंगे तो ये एक रेंज बाउंड में है। इसकी प्राइस स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये अपने 80H ऑल टाइम हाई से 96% डाउन है। इसका ऑल टाइम हाई इसने 0.002501 बनाया था कुछ 31 जुलाई 2021 में, जो कि 9 महीना पहले है। बात करते हैं मार्केट्स की तो ये ऑलमोस्ट कई सारे मार्केट्स में, कई सारे एक्सचेंजेस में अवेलेबल है। गेट आयो पकड़ लीजिए, यूनिसेप, कुकॉइन, हुबई ग्लोबल, जेमिनी, पॉलिनेक्स, मैक्सी ग्लोबल, शिवा स्वैप, मतलब सभी बड़े एक्सचेंजेस में आप देखेंगे तो आपको ये मतलब दिख जाएगा। जैसे कि मैंने बात किया था कि इसकी कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है, तो इसका अगर ट्विटर पे फॉलोअर्स आप देखेंगे तो 650,000 मतलब 6.5 लाख के आसपास, उससे भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल में देखेंगे तो इनके 90,000 प्लस फॉलोअर्स टेलीग्राम चैनल में है। अगर इनके ट्विटर में हम गए तो ट्विटर में हम देखेंगे बेसिकली तो इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, जस्ट अभी इन्होंने रिसेंटली 24 अप्रैल को इनका एक साल कम्प्लीट हुआ है लॉन्च करने के बाद, उसके बाद में उनका जो NFT नया प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसके बारे में उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी NFT की एक अलग से डोगेगॉन मार्टिन्स करके है, वेबसाइट भी है, आप देख सकते हैं कि ये काफी NFT मतलब लॉन्च करने वाला है। अभी तक कुछ क्लियर कट है नहीं, जस्ट अगर आप उनके वेबसाइट के बारे में देखेंगे तो इसमें केवल कमिंग सून करके लिखा हुआ है। इसका प्रेस पॉइंट ये है कि जो भी ओनर्स डोगेगॉन मार्टिन्स NFT जो बाई करेगा तो उसको कैसा है कि डोगेगॉन DAO जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे आपको कभी भी गाइडेंस या ये क्रिप्टो या ये प्रोजेक्ट कैसा शेप आउट होना चाहिए आगे चलने के बाद, तो वहां पे आपको वोटिंग राइट्स ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की। फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई रोड मैप नहीं है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसके फाउंडर्स का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि ये इसके फाउंडर्स है कौन, इसको किसने लॉन्च किया हुआ है, ओके। तीसरा, इसका यूटिलिटी केस मुझे कहीं पे भी दिखा नहीं है, मतलब इन्होंने किसी के साथ टाइप किया नहीं है ताकि इनके कॉइन्स को आप पेमेंट मेथड की तरह इस्तेमाल कर सके, तो इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स है। तो इसका अगर प्राइस प्रेडिक्शन की आप बात करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि इसका प्राइस प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट करना कि आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है इसका प्राइस। तो प्राइस प्रेडिक्शन के पहले अपन एक इसके प्रेस पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसके तो डेवलपर्स का कोई नामो निशान नहीं है, सो प्राइस प्रेडिक्शन के पहले हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली बात, इसका डेवलपर का कोई पता नहीं है कि इसको इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया हुआ है, बट इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसने 50% विटालिक बिटकॉइन को दिया हुआ है कॉइन्स, एंड 50% जो भी है इरोन कॉइन्स वो उसने लिक्विडिटी पूल में डाला हुआ है। तो इसका मतलब ये स्कैम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर डेवलपर्स के पास कोई अपने कॉइन होते तो वो बेच करके निकल गए होते, तो सबसे पहली बात ये स्कैम हो नहीं सकता। सेकंड, इसमें विटालिक बिटकॉइन को 50% दिए गए हैं। अगर विटालिक बिटकॉइन जो कि फाउंडर है इथेरियम के, उनको किसी टाइम पे शिबा इनू के डेवलपर्स ने भी उनको कॉइन दिए थे जो कि उन्होंने बर्न कर दिया, तो अगर विटालिक बिटकॉइन ने भी ये कॉइन डोगेगॉन मार्क्स को अगर बर्न कर दिया तो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई सीधा 50% कम हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट आएगा कि इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। थर्ड, इसको हमेशा इरोन मस्क के साथ जोड़ करके देखा गया है। इसके नाम में भी आप देखेंगे तो डोज कॉइन का डॉग और इरोन का इरोन मस्क का इरोन लिया गया है, ओके। तो हो सकता है अगर आगे चल के इरोन मस्क ने जैसे शिबा इनू को लेके और डोज कॉइन को लेकर वो ट्वीट करते हैं, अगर इन्होंने इसको लेके ट्वीट किया तो इसका प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। फोर्थ, इसका ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जैसे कि मीम कॉइन्स की रैली आएगी, मीम कॉइन्स में जब तेजी आएगी तो हवा, इनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, और मीम कॉइन्स में मैंने देखा है कि कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो लोग यूज केस फंडामेंटल्स देखते नहीं है कि ये मीम कॉइन का फंडामेंटल क्या है, इसका यूज केस कितना है, कितने जगह यूज कर सकते हैं, ये गेमिंग में और अपना प्ले टू अर्न मेटावर्स किस किस प्रोजेक्ट में ये काम कर रहा है, उन लोग आग बन करके बाइक कर रहे थे। तो अगर मीम कॉइन्स की तेजी आएगी तो उसको इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये भी तेजी में उसके साथ ऊपर जाएगा, इसके भी प्राइसेस ऊपर जाएंगे। इसके लिए मैंने कहा था कि जो वो हमारी कहावत थी या जो हमने वो डायलॉग बताया था आपको, वो मुझे इस पे क्यों फिट बैठ गई है। अगर इसकी नेगेटिव पार्ट हम बात करें कि हाँ भाई ये कॉइन की नेगेटिव पार्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट की नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो सबसे पहली बात तो इसका यूज केस का है कि इसका कुछ भी यूज केस नहीं है, इसका एक व्हाइट पेपर में कहीं पे भी रोड मैप है नहीं। ये सबसे नेगेटिव पॉइंटिंग है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कि वो प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है, उनका विजन मिशन स्टेटमेंट आगे चल के क्या होने वाला है। सेकंड, इन्होंने पेमेंट मेथड करके किसी के साथ टाई अप नहीं किया हुआ है, जैसा शिबा हो गया, बेबी डोज हो गया, ऐसे कई सारे कॉइन्स है, डोज कॉइन हो गया, जिसको आप पेमेंट मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका किसी के साथ टाई अप नहीं है। इसका कॉइन बर्निंग का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, जैसा शिब इनू का शिबेगेम अभी वो एक कॉइन बर्निंग का पोर्टल वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है।
हुआ है, तो जब कॉइन बर्न होंगे तो प्राइसेस ऊपर होंगे, बट इसके नेगेटिव फैक्टर ये है कि इसका कोई भी कॉइन बर्न का कहीं पे भी कोई मेंशन है नहीं है। इसके व्हाइट पेपर्स तो जैसे मैंने कहा था बिल्कुल नहीं है, तो इसके प्रोजेक्ट का फ्यूचर का कुछ पता चल ही नहीं रहा है। ये उसके पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव में हमने देखा कि क्या क्या है और नेगेटिव में देखा हमने क्या क्या है। अगर प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो बहुत मुश्किल है इसका प्राइस प्रेडिक्ट करना, बट आप अगर इसको कोई एनालिस्ट के हिसाब से बात करेंगे तो कुछ एनालिस्ट है जो अपसाइड में उसको दे रहे हैं 60-70%, मतलब 2022 के एंड में 60% या 70% ये अप जाएगा। बट आप मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको मीम कॉइन्स में, मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करना है तो वो स्पेस में आप देख लीजिए कि कितने कॉइन्स है, कितने रजिस्टर्ड कॉइन्स है। अभी जैसे कि मैं कॉइन गीको में देखूंगा मीम टोकन्स में, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में मुझे डोज कॉइन टॉप में दिखता है, शिबा इनू सेकंड है, थर्ड डोगी ऑन मार्स है, फोर्थ बेबी डोज कॉइन है, फिफ्थ रॉकी इनू है। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है डोगी ऑन मार्स से अच्छा मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डोज कॉइन, शिबा इनू, बेबी डोज कॉइन, क्योंकि बेबी डोज कॉइन का भी उनका भी व्हाइट पेपर है, उनका भी पूरा क्लियर कट रोड मैप है कि आगे चके वो क्या करेंगे। उन्होंने पेमेंट के लिए भी काफी लोगों से, काफी बिजनेस से टाइप किया हुआ है, वो मेटावर्स में भी आ गए, एनएफटी में भी आ गए, तो काफी सब हैपनिंग्स हो रही है। सो ये था टोटल एनालिसिस डोगी ऑन मार्क्स के बारे में, इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में, प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी स्पेस काफी वोलेटाइल है, अगर आपको बाय करना है, इन्वेस्ट करना है इसके इसमें, तो आप अपना रिसर्च करिए और आप कन्विंस हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 3-5 साल, एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय के टेन्योर को देखते हुए आप इन्वेस्ट करिए, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्ट मत करिए। चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब।